नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दमनगर कोतवाली अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां पर कलू ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर अज्ञात थे, बाद में पुलिस के द्वारा अज्ञात किया गया, जिसमें सौरभ बंसल, दीपक बंसल एवं राहुल यादव का नाम खुलकर सामने आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं पुलिस राशि काफी सक्रिय नजर आई थी। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक भावना दांगी एवं दमनगर कोतवाली TI विजय राजपूत रात से ही इस मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं। मामला काफी गंभीर है, काफी पेचीदा है। परिजनों का रो रो कर रात से ही बुरा हाल है। रात में शव को सुरक्षित रखवाया गया था, एक्सरे कराया गया था और आज सुबह से PM भी कराया गया, पोस्टमार्टम कराया गया। बाद में शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर नजर आई। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया था, बाहर से भी फोर्स मंगाया गया था। दमो पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात रही। शव को घर ले जाया गया। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद थे। मैं आपको बता दें कि हजारों की संख्या में कलू ठेकेदार के समर्थक यहां पर मौजूद थे, हिंदूवादी नेता थे। पुलिस की चाक चौंध व्यवस्था में ये शव घर पहुँचा, जिसके बाद अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई, जो दमो के हटानाका स्थित मुक्ति धाम पहुंची, जहां पर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं घटना का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग ठेकेदार के साथ झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। बाद में घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस के पास 4 से 5 CCTV फुटेज हैं। वहीं एक CCTV फुटेज हमारे हाथ लगा है, जिसे हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, ताकि वह अंदाजा लगा सकें कि किस तरह से घटना घटित हुई। आप देख सकते हैं किस तरह से ठेकेदार के समर्थक अंतिम यात्रा में नम आंखों से ठेकेदार को विदाई दे रहे हैं। ये वो CCTV फुटेज है, जिसमें समय एवं तारीख सामने नजर आ रही है। घटनाक्रम कुछ धुंधला जरूर है, क्योंकि CCTV कैमरा जो काफ़ी दूर लगा हुआ है। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये CCTV फुटेज घटनाक्रम का है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार।